चौथा वाजिब नमाज में ये तेरात का मसला है। नियत पहला वाजिब है और क़याम दूसरा वाजिब है, तकबीरतुल इहराम तीसरा वाजिब है और चौथा वाजिब क़िराअत है नमाज में। तो क़िराअत यानी चीज़, क़िराअत यानी पहली दो रकातों में एक मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है और उसके बाद कोई भी सूरा पढ़ना है, मुकम्मल सूरा पढ़ना चाहिए, ये वाजिब है, इसको क़िराअत कहते हैं। तीसरी और चौथी रकातों में इंसान को इख्तियार है कि वो एक बार सूरह हमद पढ़े या एक मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े, ये उसकी मर्जी है। तीसरी और चौथी रकातों में ये तस्बीहात अरबा, ये सूरह हमद और ये दूसरा सूरा, ये क़िराअत के नाम से नमाज में वाजिब है। तो लिहाजा नमाज यौमिया नमाजों की पहली दो रकातों में यौमिया वाजिब नमाजों की, क्योंकि मुस्तहब नमाजों में सिर्फ हामद जरूरी है, दूसरा सूरा जरूरी नहीं है नवाफिल में मुस्तहबी नमाजों में, लेकिन वाजिब नमाजों में दूसरा सूरा भी जरूरी है, एक मुकम्मल सूरा पढ़ना चाहिए। पहले सूरह हमद पढ़े और उसके बाद दूसरा सूरा पढ़े, सूरह कौसर पढ़े, सूरह नाज़ना पढ़े, सूरह बुलबुला पढ़े, जो भी सूरा आपको जो है बेहतर पढ़ सके वो पढ़ सकते हैं। छोटी सूरतें बड़ी सूरतें इंसान की मर्जी है। और ये कि नमाज की दूसरी रकात में सूरह इखलास यानी सूरह बुलबुला वाजिब हो ऐसा नहीं है, आप पहली रकात में भी पढ़ सकते हैं, दूसरी में भी पढ़ सकते हैं, पहली में भी ना पढ़े दूसरी में भी ना पढ़े, आपकी मर्जी है, कोई सूरा जरूरी है पढ़े। सूरह कौसर पढ़े आप दोनों रकातों में, ये भी जायज है और सही है। दोनों रकातों में सूरह हमद के बाद हमें अंजलना पड़े, ये भी आपकी मर्जी है। कुल हुवल्लाहु अहद मुस्तहब है दूसरी रकात में, सिर्फ मुस्तहब है, वाजिब है। नमाज की चौथी और तीसरी और चौथी रकातों में ये इंसान के पास इख्तियार है कि फकत एक सूरह हमद पढ़े और रुकू सुजूद खत्म, या फिर एक मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े वाजिब है, तीन मरतबा पढ़ना मुस्तहब है, ये इंसान की मर्जी है। तीसरी और चौथी रकातों में इंसान के पास इख्तियार है, ऐसा नहीं है कि सूरह जो है तस्बीहात अरबा हतमन पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, सूरह हमद भी आप पढ़ सकते हो। अगर अमदन सूरह हमद से पहले दूसरा सूरह आपने पढ़ लिया तो नमाज बातिल हो जाएगी, लिहाजा तरतीब वाजिब है इसमें, तरतीब पहले सूरह हमद पढ़ना है और उसके बाद दूसरा सूरा, जो भी सूरा आपने इंतखाब किया होगा वो आप पढ़िए। और एक चीज जिसकी तरफ तवज्जो जरूरी है वो ये कि क़िराअत में वाजिब सजदा वाली सूरतों का पढ़ना हराम है, जायज नहीं है। कि कुरान मजीद में चार सूरतें ऐसी हैं जिनमें सजदा वाजिब वाली आयतें मौजूद हैं, नमाज में इनका पढ़ना सही नहीं है, तो उन चार सूरतों को छोड़कर बाकी कुरान में से कोई भी सूरा आप सूरह हमद के बाद पढ़ सकते हैं, मुकम्मल एक सूरा। मर्दों के लिए फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में और ऐशा की नमाज में पहली दो रकातों में जो हमद और सूरा पढ़ना है वो बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। ये जवानों से मैंने अर्ज किया कि अगर घरों में या मसलन किसी महफिल में या काफिले में नमाज पढ़ना चाहते हैं और शर्म जो है महसूस करते हैं कि बुलंद आवाज से हम नहीं पढ़ सकते, आहिस्ता पढ़ते हैं, सरगोशी वाली आवाज में अगर पढ़ा नमाजें बातिल हो जाएगी। तो फजर मगरिब और इशा इन तीन नमाजों की पहली दो रकातों में हम्द सूरा बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज से मुराद ये है कि आवाज का जौहर जाहिर हो जाए, जिस तरह आमतौर पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं वही आवाज काफी है। एक आवाज होती है सरगोशी वाली आवाज, जब आप किसी के कान में खामोशी से कुछ कहना चाहते हैं सरगोशी में, वो आवाज जिसमें आवाज का जौहर जाहिर नहीं होता, अगर ये आवाज होती है वो जोहरें की नमाज में फर्ज है। पहली दो रकातों में हम तो सूरा सरगोशी वाली आवाज में पढ़ेंगे, लेकिन फजर मगरिब और इशा की दो रकात पहली दो रकातों में बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए। इस हद तक बुलंद पढ़ें कि आप खुद सुन सके,
अगर शोर शराबा ना हो, अगर कान में कोई मसला ना हो तो खुद सुन सके, इस हद तक बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। खवातीन के लिए इख्तियार है फजर मगरिब और ईशा में कि हम्द सूरा बुलंद आवाज से पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें, उनकी मर्जी है, अगर खलवत हो, अगर कोई नामहरम ना हो। लेकिन अगर पता चले कोई नामहरम मेरी आवाज सुन लेता है और मसला है तो फिर वह उन पर वाजिब है कि आहिस्ता पढ़ें फजर मगरिब और ईशा में भी। जोहरे में तो सब बराबर है, आहिस्ता पढ़ना चाहिए हम्द सूरा। तिलावत में इस तरह पढ़ना वाजिब है कि अगर रुकावट ना हो तो खुद सुन सके। नमाज की तीसरी और चौथी रकातों में वाजिब है कि एक मरतबा सूरह हम्द पढ़े या एक बार तस्बीहात अरबा पढ़े, ये इंसान की मर्जी है, मैंने अर्ज किया। और इख्तिलाफ भी जायज है, इख्तिलाफ ये कि एक रकात में आपने तस्बीहात अरबा पढ़ लिया, दूसरी रकात में आपने सूरह हम्द पढ़ लिया, मतलब तीसरी में तस्बीहात पढ़ लिया, चौथी रकात में आपने सूरह हम्द पढ़ लिया, या तीसरी में आपने सूरह हम्द पढ़ा, चौथी में तस्बीहात अरबा पढ़ लिया, या दोनों में तीसरी और चौथी रकातों में तस्बीहात अरबा पढ़ लिया, या दोनों रकातों में आप सूरह हम्द पढ़ लिया, आपकी मर्जी है। सूरह तस्बीहात अरबा जो है वो खुद वाजिब नहीं है, या सूरह हम्द पढ़े या फिर तस्बीहात अरबा पढ़े, वो इंसान की मर्जी है। और अगर वक्त तंग हो, नमाज का वक्त कम हो, फुर्सत न हो, तो तस्बीहात अरबा एक बार पढ़ना वाजिब है कि सिर्फ एक बार ही पढ़े वाजिब है, और वो जो तीन दफा पढ़ना मुस्तहब है वो फिर खत्म हो जाएगी। वक्त तंग हो तो एक ही मरतबा पढ़े और नमाज को मुकम्मल करे। क़िरात में जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो ज़ेर व ज़बर व तशदीद वगैरह का ख्याल रखना होती, चीजें वाजिब है नमाज में, क़िरात में ज़ेर व ज़बर का ख्याल रखना चाहिए, अनहम्दा की जगह अनहम्दु मसलन, ये चीजें मसलन, ज़ेर ज़बर का फर्क हो गया जानबूझकर अगर किया नमाज बातिल है। और हत्ता कि वो लोग जो मुकस्सिर हैं अहकाम है नमाज सीखने में कोताही की है, उनकी भी नमाजें बातिल हो जाएगी अगर ज़ेर ज़बर में फर्क आ गया, या मसलन तशदीद छोड़ दिया, इदगाम जहां करना चाहिए नहीं किया, तो नमाजों में इश्काल पैदा हो जाएगा। लिहाजा जवानों को चाहिए कि एक अच्छे कारी के पास जाएं और अपने एक सूरह हम्द और एक सूरह अपने लिए इंतखाब करें, छोटा सा मसला सूरह मसूरे का उसर का इंतखाब करें, सूरह काफिरून का इंतखाब करें, सूरह कुल्हल्ला का इंतखाब करें, ये दोनों ठीक करके रखें। और एक तस्बीहात अरबा मसलन अगर तस्बीहात अरबा नहीं सीख सकता तो सूरह हम्द ही पढ़ें चारों रकातों में, वो सीखें। अगर जो है ये नहीं सीख सकते जो तस्बीहात, तो सीखें तस्बीहात अरबा की जिसमें चार तस्बीह हैं वो सीख के रखें ताकि ज़ेर ज़बर के नतीजे ना हो, क्योंकि मालूम है कि बाज दुआ खान और बाज अफराद इनकी तिलावत जो है दुआओं में तो नजर आ जाते गलतियां बहुत हैं, ठीक करना वाजिब है। तो ये इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना बेफायदा है, तो इस कान से दोनों कानों से सुने और जहन में महफूज कर लें कि ये वाजिब है, वाजिब शरई है, अंजाम न दे गुनाहकार है, गुनाहकार है यानी खुदावन नाराज है, अहले बैत नाराज है, यानी कयामत के दिन मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि नमाजें फर्ज हैं, खुदावन मुताल इन नमाजों के बारे में आपसे सवाल करेगा, और जो है रोज़े महशर की जान गुदा दुवत अव्वलिन पुरसिश नमाज दुवत, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में है, नमाज को ठीक करना चाहिए, हमारी उम्रें गुजरती जा रही हैं ना मालूम कब हमने ठीक करना है, क्योंकि मुआशरे में बिलउमूम ये चीजें नजर नहीं आती, शायद खसूसी तौर पर बात लोग याद करते होंगे, उमूमी तौर पर नजर आनी चाहिए कि लोग नमाज ठीक कर रहे हैं। आखिर एक दिन फुर्सत निकालें, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि एक दिन हफ्ते में एक दिन दीन सीखने के लिए मुख्तस करें वरना तुम्हारे ऊपर अफसोस है और हैत है तुम्हारे, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि एक दिन दीन के लिए इंतखाब करें। हम लोग अपनी हफ्ते में एक दिन मसला कोपे माई के लिए, एक दिन तफरी के लिए, एक दिन शादी के लिए, एक दिन शॉपिंग के लिए मुख्तस कर सकते हैं, एक दिन दीन के लिए मुख्तस नहीं कर सकते। तस्बीहात अरबा ये है
कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये चार तस्बीहात इसे सीखें ताकि नमाजें हमारी दुरुस्त हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वआलिहि वसल्लम। बिस्मिकल अज़ीम अल्लाहु मिन अज़्ज़ल जल्ल अल अकरम या अल्लाह।